नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि पाएं हर नोटिफिकेशन। छोटी सी अपील है, चक्रवाती तूफान यास के संभावित खतरे को देखते हुए कृपया सभी लोग सुरक्षित रहें। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का कहर सिमडेगा में भी दिखने लगा है। सिमडेगा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ साथ कई जगहों पर हवा के झरोखों ने पेड़ की डालियों को तोड़ दिया है। वहीं लगातार तूफान को देखते हुए लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और बारिश लगातार झमाझम जारी है। जिले में लगातार इस तूफान को देखते हुए सिमडेगा जिला के परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरवा ने आदेश जारी करते हुए टेम्पू संचालन का पूरी तरह से रोक लगा दिया है। उन्होंने एसोसिएशन को पत्र भेजते हुए कहा है, तूफान के बीच पेड़ की डाली और बिजली की तार ऑटो में गिर सकता है, ऐसे में खतरा बना है, इसीलिए सभी ऑटो चालकों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने भी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी सभी प्रकार की ऑक्सीजन दवाई सहित सभी प्रकार के उपकरणों की सुविधा बहाल रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लाइट की सुविधा के लिए जनरेटर की भी सुविधा रखें ताकि आपातकाल स्थिति में कोविड-19 के मरीजों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और वे मरीज पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। सिमडेगा में आरएसएस की ओर से झमाझम बारिश के बीच में गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर अस्पताल में इलाजरत मरीज, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मियों के बीच में वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना। मौके पर सिमडेगा के प्रचारक अजय जी मौजूद रहे। उनकी निगरानी में युवाओं के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें आभार व्यक्त की। सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा है कि जिले में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार एक सप्ताह तक लॉकडाउन की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 3 जून तक नियमों को सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मीडिया एवं साग सब्जी बेचने आने वाले किसानों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा बाकी अन्य लोगों को पूरी तरह से ई पास अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए सरकार द्वारा जारी सभी नियमों को पालन करें। बानो थाना क्षेत्र के डुमरिया पंचायत के मारिकेल गांव में मनीलाल नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पत्नी घायल हो गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो आरोपी मनीलाल ने पुलिस के कांस्टेबल पर हमला कर दिया, जिसके बाद कांस्टेबल जाहिद अंसारी घायल हो गया। बाद में उक्त आरोपी को पकड़ते हुए जेल भेज दिया गया। वहीं तत्काल कांस्टेबल को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया, जो कि खतरे से अभी बाहर है। जिला के कोलेबिरा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए लगातार सूखा राशन, आलू, दाल, मोमबत्ती सहित सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर घूमकर निगरानी रखी जा रही है एवं आने जाने वाले लोगों को भी अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। वीडियो अखिलेश कुमार ने कहा, लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाए गए हैं ताकि दिक्कत ना हो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पहल पर सिमडेगा में 3,000 मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, जिसे वितरण को लेकर सिमडेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जूम मीटिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अलावा अब केंद्र सरकार की भी पूरे जिले पर नज़र है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पहल पर जिले में 3,000 मेडिकल किट बांटा जाएगा, इसके लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिले में कोविड-19 की बात करें तो आज सिर्फ 24 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 106 व्यक्ति स्वस्थ भी हो गए हैं। जिले में अगर वर्तमान समय में आंकड़े की बात करें तो महज 560 मरीज बचे हैं, जिससे कि अब धीरे धीरे कोरोना का प्रसार कम हो रहा है। जिला प्रशासन लगातार कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जिला की वर्तमान स्थितियों पर भी नज़रें बनाए हैं ताकि सिमडेगा को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त वाला जिला बनाया जा सके। ज़िले में पतराटोली बीरू निवासी लोगों ने उपायुक्त सुशांत गौरव को आवेदन देकर चापाकल मरम्मती की मांग की थी, जिसके बाद उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पीएचडी विभाग के पदाधिकारियों को खराब पड़े चापानल को बनवाने का निर्देश दिया, जिसके बाद पहुंचकर कर्मियों ने चापाकल को ठीक किया।
उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले में चक्रवातीय तूफान यास के खतरे को देखते हुए सभी प्रकार के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि जिले में प्रखंड स्तर में सभी प्रकार की सुविधा बहाल की गई है। इसके अलावा BDO, CO, थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है किसी भी प्रकार की आपात की स्थिति में लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा, पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन, मेडिकल की सामान, उपकरण सहित सभी चीज़ें व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी भी परिस्थिति में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, लोग सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें तो बेहतर होगा। जिले के कंट्रोल रूम में चक्रवातीय तूफान यास के खतरे को देख पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, जिसकी जानकारी लेने के लिए उपायुक्त पहुँचे। वहाँ पर बारीकी से निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया कि जिले में सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी के लिए वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां पर छोटी बड़ी हर पहलू, हर घटना एवं हर क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है ताकि तत्काल वहां से मदद पहुंचाई जा सके। इस कार्य के लिए लगातार 24 घंटे वहां पर जवानों की तैनाती की गई है। जिला में जिस प्रकार पानी की बारिश हो रही है, इससे जलडगा के ओड़गा में एक परिवार का मकान टूट गया, जिसके बाद इसकी सूचना SP को मिली। SP साहब ने तुरंत पहल करते हुए थाना प्रभारी ओड़गा संदीप कुमार को भेजा और उनके पहल पर उन्हें बाजार डांड ओड़गा स्थित शेल्टर होम में भेजकर राहत कर दिया। इसी के साथ आज फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।